एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन की जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ अपनी लाइफ की सबसे महंगी पेंसिल की। ये है सेकेंड जनरेशन एप्पल पेंसिल और इसको मैंने लिया है अपने आईपैड एयर के लिए। ये भी मैंने ऑर्डर की है एप्पल इंडिया की साइट से ही और ये भी मुझे टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में ही मिली थी। ये मेरी फर्स्ट एप्पल पेंसिल है, इससे पहले मैंने एप्पल पेंसिल यूज नहीं की। और ये सेकेंड जनरेशन पेंसिल है, इसका प्राइस है 10,900 रुपीज़ और ये वायरलेसली चार्ज हो जाती है आपके आईपैड के साथ। जो मैंने फोर्थ जनरेशन का आईपैड लिया है ये उसके साथ वायरलेसली अटैच हो जाएगी। सो ये आपके आईपैड के साथ वायरलेसली पेयर हो जाती है और वायरलेसली ही चार्ज हो जाती है। ये आईपैड के ऊपर रखना है आपको इसको और ये मैग्नेटिकली उसके साथ अटैच होके और ये चार्ज हो जाएगी। सो इसके साथ आपको कोई भी वायर्स और कुछ भी नहीं मिलने वाले। तो फर्स्ट जनरेशन का पेंसिल मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो कंपेटिबल नहीं था मेरे आईपैड के साथ और वो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट था एप्पल का। मैंने आईपैड एयर लिया है फोर्थ जनरेशन, उसमें सेलुलर और वाईफाई प्लस सेलुलर में 12,000 का डिफरेंस था, तो मैंने सेलुलर वाला लेके 12,000 सेव करके अपने लिए ले ली है ये पेंसिल। और मुझे लगा कि ये कॉम्बो मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने इसलिए इसको पिक किया। इसको मैंने लिया है अपने आईपैड एयर के लिए और मैंने आईपैड एयर फोर्थ जनरेशन लिया था। अगर आपने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो चेक नहीं किया था और आईफोन 12 प्रो मैक्स का अनबॉक्सिंग वीडियो भी जो अभी तक चेक नहीं किया तो उसको आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बॉक्स एंड ये है इसके डिटेल्स। ये है इसका पुल टैब जो बिल्कुल इंटैक्ट है। ये रहा इसका पुल टैब और मैं अब आपके साथ ही इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। So this is the simpler packaging. So this is designed by Apple in California. इसके अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चार्ज होगी हमारे iPad से ही, तो सिर्फ एक पेंसिल ही है। इसकी अनबॉक्सिंग के लिए मैं आपको अनबॉक्सिंग टेबल पे ले जाऊंगी। Thank you.
पेंसिल एंड ये मेरी फर्स्ट पेंसिल है एप्पल की। मैंने अब तक एप्पल पेंसिल यूज नहीं की। पेपर वर्क में सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगी, स्टिकर जो है वो मिसिंग है। आई विश वो दो छोटे स्टिकर्स देते तो मज़ा आ जाता, पर यही पेपर वर्क है, आपको स्टिकर नहीं मिलने वाला एप्पल पेंसिल के साथ। सो दिस इज द एप्पल पेंसिल और एंड दिस इज द पुल टैब हेयर अगेन। सो ये है एक सिंपलर सी पैकेजिंग और अब मैं आपको इसकी क्लोज लुक दिखा रही हूँ। यहाँ एप्पल पेंसिल मेंशन है, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट स्मूथ फिनिश है। और ये जो आप फ्लैट एरिया देख रहे हैं, यहाँ से ये अटैच हो जाएगी आपके आईपैड पे। और ये पॉइंटेड है पेंसिल और बिल्कुल भी शार्प नहीं है। और ये है एप्पल का लोगो हेयर एंड दिस इज़ द एप्पल लोगो हेयर। और मैं दिखाती हूँ आपको इसको आईपैड से भी अटैच करके कि ये कैसे मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगी। सो लेट्स चेक इट कि ये कैसे मैग्नेटिकली अटैच होती है आईपैड पे। सो जिधर आपका पावर बटन है उधर ही ये अटैच हो जाएगी। लुक एट दिस। सो दिस इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप एनीवेयर एंड अच्छी पकड़ है इसकी। लुक एट दिस। एक स्नैप के साथ ये अटैच हो जाएगी आपके आईपैड के साथ और यू जस्ट कैन पेयर इट एंड राइट योर नोट्स एंड एनीथिंग यू कैन डू विद दिस। और बचपन के दिन याद आ जाएंगे जब हम पेंसिल्स यूज करते थे, स्लेट यूज करते थे, तो कुछ कुछ इसका ब्लैक ग्लास देखकर मुझे स्लेट की फीलिंग हो रही है कि बचपन के दिन शायद याद आ गए हैं विद द मॉडर्निज्म मॉडर्न थिंग कि अब हम स्क्रीन पे ही लिख रहे हैं पेंसिल से। सो ये मेरी पहली पेंसिल है और बहुत ही अच्छा स्लिम सा एयर पैड है। सो आई एम रियली हैप्पी। और इस तरीके से इसको आपको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्जिंग ले लेगी आपके एयर पैड से ही। सो आपको इसको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि कंपैटिबल है मेरे आईपैड के साथ तो ये इसी के साथ चार्ज हो जाएगी। ये चार्ज हो जाएगी आईपैड के थ्रू ही, इसी वजह से हमें कोई भी केबल या कोई भी सॉकेट नहीं मिली जस्ट टू चार्ज इट, क्योंकि हमें सिर्फ आईपैड को चार्ज करना है और ये आईपैड के साथ ही चार्ज हो जाएगी। सो आई एम रियली हैप्पी विद स्लिम नोटबुक एंड I'm just looking forward to try this now. So this is it for the unboxing video. So I hope आपको ये Apple Pencil का unboxing का video अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये video helpful लगा तो please इसे एक thumbs up दीजिएगा और मेरे channel को ज़रूर subscribe करिएगा और bell button को hit करना नहीं भूलिएगा आने वाले videos की notifications के लिए। और अगर आपकी कोई query है इस Apple Pencil के regarding तो आप मुझे नीचे comment box में लिख सकते हैं। So इसी के साथ ही आज का video यही conclude करते हैं। मिलेंगे next video में। Till then, bye bye.